आइए दोस्तों, हम आपको यहाँ से दर्शन कराते हैं गिरिराज जी की एक झलक देखिए। अभी तो हमने आपको अंदर का दिखाया था, पर ये बाहर से है। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ये जरूर देखने को मिलेगा। ये बहुत ही बढ़िया सीन है, ये हर किसी को देखने को नहीं मिलता है। और अब हम आपको मनसा देवी के मंदिर तो चलो तो चलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। मैंने आज ही आपको गिरिराज जी की वीडियो बताई थी, तो ये मंदिरों का पार्ट टू है, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा मनसा देवी, जिसमें हमारा आइए हम आपको कहानी भी बताएंगे। आइए ओके, इसकी कहानी ये मनसा देवी, जो मनसा देवी है ये भी गिरिराज जी का एक हिस्सा ही है। और माता यशोदा जी ने गिरिराज जी का थोड़ा सा हिस्सा कृष्ण जी से कहलवा कर मनसा देवी में रखवाया था अपने मन से। तो यहाँ पे कोई भी अपने सच्चे मन से इच्छा पूरी करने को कहता है तो देवी उसकी इच्छा जरूर पूरी करती है। आगे की कहानी आप सुनिए, सत्यम की जुबानी। राजपुरी मान से गंगा में फैले हुए और मनसा देवी पर खास कार जो जो मेरी मम्मी अभी वीडियो बना रही है, उनकी मेरी दीदी की और मेरे भाई की, इन सबकी सेवा स्पेशली होती है। जब मनसा देवी आती है तो ये एक विश्राम घर की जगह है, जिसको हम कहते हैं रैन बसेरा, पर इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है। ये बहुत ही अच्छा वो है, आप इसका एक्सपीरियंस जरूर कीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर। और यहाँ आप अगर गोवर्धन ना आएंगे तो सावधान, यहाँ पे खूब सारे बंदर हैं, आप कार पूरी कर पाएंगे। चलिए नंबर मंदिर नंबर फर्स्ट, कैला देवी का मंदिर, मंदिर नंबर फर्स्ट इसमें है कैला। इसको यहाँ पे अगर आए तो चप्पल पहनना, बिल्कुल चप्पल उतार के आए। और अंदर देखिए कैला देवी, देखिए ये है कैला देवी। यार ये इनकी वजह से नहीं बन पाती। बोलो यहाँ पे जगह जगह से लोग आते हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह सच में फॉरेनर आते हैं, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, सच में दूर दूर से लोग आते हैं। देखिए अब मैं आपको, ये हमारी कुलदेवी है और ये हमारी नहीं, जो इनको मन से मानता है ये उसकी कुलदेवी है। देखिए अगर इनसे हम मन से कोई सच्चे मन से इच्छा पूरी करते हैं तो देवी बहुत पूरी करती है। हाँ। पर इन देवी की एक बात होती है कि ये बहुत जल्दी क्रोधित हो जाती है। देखिए मैं आपको, आइए आगे चलते हैं सांचौली देवी पर। ये देखिए सांचौली देवी का मंदिर, ये बहुत ही बहुत ज्यादा पुराना मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि भरतपुर के राजा हरि सिंह ने यहाँ पे इन देवी की स्थापना की थी। यहाँ आज हमारे यहाँ बांसवाड़ा आता है तो जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सफाई हो गई है, पर आज हमारे यहाँ बांसवाड़ा पूजा आता है तो सबसे ज़्यादा इन देवी की पूजा की जाती है। आइए हम आपको पास से दिखाते हैं। देखिए हम आपको जूम करके दिखाते हैं। अगर आपको ये अच्छी लगी, अभी तक आपको अच्छी लगी, तो इस हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और आपको जो भी मंदिर देख रहे हैं हमें कमेंट में बताएं, हम आपको सब दिखाएंगे। ये देखिए आपको कोई भी वीडियो इतनी पास से नहीं दिखाता होगा जितना हाँ। कि हम दिखाते हैं, तो प्लीज दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और आप हमारी स्पेशल